ये हमारा पाइप फिटिंग यहाँ से चालू है, ठीक है? तो चलिए डिटेल से समझाते हैं। सबसे पहले अब इंट्रो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करें। वेलकम टू लकी प्लम्बर एंड वाटर टेस्ट। इंट्रो के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब देख सकते हैं कि कंसोल सिस्टम लगा हुआ है उसमें, और यह गीजर पॉइंट है, ठीक है? और ये हमारा डायवर्टर पॉइंट है। इसमें से शावर के लिए सीधे खिड़की आ रहा था, तो शावर के लिए सीधे साइड से उठाकर ऊपर लगाया हुआ है। रोशनी की वजह से पूरा नहीं दिख रहा आपको, ठीक है? ये फाइनल होगा तब भी आपको दिखा देंगे। अब देख सकते हैं कि दिख रहा है हल्का सा साइड से किए तो, ठीक है? और ये हमारा बेसिंग पॉइंट है। बेसिंग पॉइंट नीचे देखें, नाली ट्रैप लगा हुआ है और 4 इंची हमारा ऐसे ही लगा हुआ था, ठीक है? उसमें कचरा ना घुसे, उसमें मसाला जाम कर रहे थे, इसीलिए 4 इंची लगा के रखे थे। ये हम लोग सिस्टम देख सकते हैं, लगभग हम लोग जाम कर चुके हैं। बाद में इसके बाद जो होता है, राजमिस्त्री जो होता है वो जो अपना जाम कर लेंगे। साइड से देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से लगाया हुआ है, और ऊपर से पाइप को पार करके सिंपली उसको बैठाया हुआ है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, ठीक है? और ये डायवर्टर का फिनिशिंग देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से है, ठीक है? इस बाथरूम का हम लोग चार्जेस लेते हैं सिर्फ 10,000 रुपया, ठीक है? उसके बाद आप हम आ गए नीचे का पॉइंट, आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? इधर एक नाली ट्रैप लगा हुआ है जो नहाने के लिए जाएगा, ठीक है? जो शावर वगैरह का जो पानी गिरेगा उसका नहाने का पानी उसमें जाएगा, और आगे जो लगा हुआ था उसमें सिर्फ बेसिंग का जाएगा। हमको किचन बेसिंग के लिए पाइप लेके जाना था, उधर बेसिंग पॉइंट था, और देख सकते हैं कि उस सीढ़ी का ऊपर से हम लोग को कटिंग करके नीचे उतार के, और बगल में किचन था और साइड में और एक किचन है जिसका पाइप पार करना था, पार किया हुआ है, आप लोग देख सकते।